यहाँ पे ओडिया पे कुछ उनके बारे में लिखा, मतलब भीड़ हुआ है यहाँ पे, ज्यादा एडवेंचर टाइप का है। तो आप देख ही लिए होंगे थंबनेल में, हम एक ब्यूटीफुल सा प्लेस जा रहे हैं जो कि पूरा हिडन वाटरफॉल ऑफ ओडिशा जो कि बरगढ़ में स्थित है। तो आगे देखते हैं। तो आज ये हमारे ट्रिप के साथ हैं सरोज जी जो कि हैं शिक्षा कर्मी छत्तीसगढ़ में, हमारे साथ हैं मनोज जी जो कि हैं आर्मी में, मैं बेरोजगार। तो चलो हम तीनों मिल के एंजॉय करेंगे और आप भी एंजॉय कीजिए वीडियो में। का जो वाटरफॉल हम जो जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है बारह बखरा। तो बारह का नाम, बारह मतलब होता है बारह, 12, और बखरा मतलब होता है रूम, हमारे जो लैंग्वेज में होता है उड़िया में उसको बखरा मतलब रूम बोलते हैं, उसी कंसेप्ट का इसका नाम है बारह बखरा। पूरे गांव में सुंदर सुंदर पेंटिंग हुआ है जो कि गांव की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। यहां पे उनका कुछ वैसे ही रूल वगैरह है जो कि हमको फॉलो करना है, उसको बता रहे हैं। और जब आप लोग व्हीकल हैं, जिसकी बस हो गया, फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर, उसका कुछ चार्ज होता है, तो चार्ज दे रहे हैं। ये हमारे वीर सुरेंद्र साय का एक छोटा सा म्यूजियम टाइप बनाया गया है। चलो अंदर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे जो बोल रहा था वीर सुरेंद्र साय, उनका एक म्यूजियम टाइप और शोकेस टाइप बनाया गया है। ये हमारे वीर सुरेंद्र साय देख सकते हो, जो फ्रीडम फाइटर थे उनके टाइम पे कुछ थीम वगैरह ऐसे बनाए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। रही पे ही खाना का भी सुविधा किया गया है। तो यहाँ पे ओडिया पे कुछ उनके बारे में लिखा गया है भी, जो लोग को आता है पढ़ लेते हैं और पढ़ लो पहुँच करके। एक टेबल लगाया गया है देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही यूनिक सा स्टाइल का है। यहाँ पे चेयर टेबल जो भी है वो सब वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, बैम्बू का है जो कि पूरा रिसाइकिल है, नो प्लास्टिक्स यूज ही नहीं किए हैं। पूरा चेयर टेबल हर चीज रिसाइकल का है। जो थे एक संबलपुर जिला ओडिशा का फ्रीडम फाइटर है, जो कि उनका यहाँ पे उनको अंग्रेजों ने बंदी बना के रखा था, तो उसी का एक यहाँ पे व्यू बनाया गया है। पर हर चीज का यहाँ पे वीर सुरेंद्र साय के बारे में हर चीज का एक एक व्यू बनाया गया है, जो कि हर तरफ है, देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अगर आप आ रहे हैं यहाँ तो इसको जरूर विजिट करें। तो अभी तक तो मौसम ठीक ही है, पूरा मस्त सुनहरा मौसम है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट थोड़ा थोड़ा बस एक एक बूंद बारिश हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे हो जैसे कि कितना मतलब भीड़ हुआ है यहाँ पे, जितना कार उतना बाइक, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। और बारिश स्टार्ट हो गया, नीचे बाइक रख के ऊपर दो तीन किलोमीटर नहीं, शायद एक किलोमीटर आने से ऊपर इसे नीचे है हमारा वाटरफॉल, जो कि वाटरफॉल आगे जाएंगे दिखाएंगे आपको। यहाँ थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है,
तो आप अगर आ रहे हैं तो नीचे पहले खाने के लिए बुक कर दें, और यहाँ यहाँ विजिट करके जाके वहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ जो है देख रही है आपको, नीचे जाने का रास्ता थोड़ा कुछ मतलब ज़्यादा एडवेंचर टाइप का है। वहाँ देख रहे हो शायद आपको थोड़ा सा दिख गया होगा वाटरफॉल जो है, पानी शायद कम है मेरे को लग रहा है, नीचे जाके देखते हैं। हम नहा लिए हैं, करीब एक घंटा नहाए हैं और अच्छा लगा, बस थोड़ा ज़्यादा ही पानी गिर रहा है मूड पे और कम है, पानी कम आ रहा है तो थोड़ा अच्छा लगा। शायद ज़्यादा आएगा तो नहाने में प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे कि मतलब सेफ्टी के लिए, और सेफ्टी के लिए कुछ ग्रिल वगैरह भी लगाए हैं। ठीक ठाक है, अब अगर आप विजिट कर रहे हो तो साथ में खाना लेके आओ, जैसे कि लंच वगैरह तो यहाँ पर हो गए ही, मतलब ऐसे ही छोटे मोटे खाने के लिए लेके आओ तो अच्छा रहेगा। हाँ आप देख सकते हैं कितना कार वगैरह है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था आज तो, क्योंकि मौसम अच्छा था। और ज़्यादा यहाँ पे छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ और बरगढ़ से ही तो आ रहे हैं, मतलब उड़ीसा से, वेस्टर्न उड़ीसा पार्ट में है तो वेस्टर्न उड़ीसा से ज़्यादा आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ से क्योंकि बॉर्डर एरिया है इसलिए छत्तीसगढ़ से ज़्यादा ही आ रहे हैं। देखो वहाँ जाने तक कार वगैरह है बहुत सारा। तो बारहबांकरा अभी उड़ीसा टूरिज्म के अंडर में आ चुका है पिछले साल से, पिछले साल जब हम आए थे यहाँ पे तो उड़ीसा टूरिज्म के अंडर में नहीं आया था, और ये रोड वगैरह नहीं बना था यहाँ पे, यहाँ पे अभी रोड वगैरह बना के थोड़ा सेफ्टी का मतलब इंतजाम करा हुआ है, जैसे कि ग्रिल्स वगैरह लगाए हैं बहुत सारा, और बहुत सारा यहाँ पे खाने का भी चीज़ मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर तक कार आ रहा है, बाइक्स आ रहा है, पिछले जब पहले नहीं हुआ था उड़ीसा टूरिज्म के अंडर में तो कार बाइक सब नीचे रख के पूरा 2-3 किलोमीटर ऊपर आना पड़ता था पैदल ट्रैकिंग करके, तो ये एक सुविधा है। हम पहले से ऑर्डर करके गए थे चिकन मीट जो कि 150 का था, वहाँ पे आया है भात, चिकन, दाल और आलू चिप्स और थोड़ा अचार भी है और मिर्ची वगैरह है यहाँ पे, आगे बताते हैं कैसा लगता है। खाना बहुत अच्छा था बट थोड़ा जल्दी आना क्योंकि लेट हो जाने से हमारा ज़्यादा लेट हो गया, 3-3.5 दिन हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया था, फिर से बनाया बट सब्जी और नहीं हो पाया हम लोग को, बस 3-4 आइटम था हमारा जो पैकेज था, बस खाना टाइम मतलब पैसा हिसाब से ठीक है, थोड़ा और अच्छा होना चाहिए बट यहाँ पे वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, हमको तो बहुत मज़ा आया, सो आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड द वीडियो, सो फिर से मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ये रास्ता है बरगढ़ से अम्बा बना का, यार क्या बताऊँ, जितना सुंदर वाटरफॉल नहीं है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये हमारा रोड है। हालांकि ये रोड हमारा डेली का आना जाना का है, फिर भी बोर नहीं लगता कभी, इतना सुंदर है।